आप सभी का आपके अपने चैनल के एसएस भारतीय संगीत में हार्दिक स्वागत है। मैं क्षमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज आप सभी के बीच जो गाना है बहुत ही प्यारा सा गाना है, जिसकी काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मैम इस गाने का हमें हारमोनियम नोटेशन सिखाइए। तो आज आप सभी के बीच बहुत ही प्यारे से गाने का ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ हारमोनियम पर। कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है, ये सारी बातें बताऊंगी पोस्ट पर, बने रहिए। ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं होने वाली है, छोटी सी पोस्ट है। आज हम जिस गाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 1983 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम था मासूम, और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। इस गाने के दो वर्जन हैं, मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। मेल वर्जन गाया है अनूप घोषाल जी ने और फीमेल वर्जन गाया है हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। इस गाने का जो म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन साहब जी ने दिया था, इस गाने को लिखा था गुलजार साहब जी ने, और बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। सभी स्वर इस गाने में शुद्ध लगेंगे। अगर कोमल स्वर की बात की जाए तो क स्वर का कोमल प्रयोग में है, लेकिन साथ ही साथ शुद्ध गा का भी प्रयोग है। यहाँ पर हम अपना स्केल जो रखेंगे सी शार्प का स्केल रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आप अपने स्केल के अनुसार गाना, तो आप अपने स्केल के अनुसार आप कोई भी अपना स्केल चूज कर सकते हैं। इस गाने में मन सप्तक के स्वरों का ज्यादा प्रयोग है। मन सप्तक का मा, मन सप्तक का पा, मन सप्तक का धा और मन सप्तक का नी, ये चार स्वर आपके मन सप्तक के इस गाने में लगे हैं। रिपीट रिपीट है, क्योंकि कुछ लाइनें रिपीट हैं इसमें, तो ये हम देखेंगे कहाँ पर कैसे शुरू हुआ है। तो ज्यादा समय लेते हुए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से गाने की ट्यूटोरियल। अगर पोस्ट पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा सी शार्प है, हमने इसको सा माना है, और मन सप्तक के स्वर कौन से होते हैं, नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर जो स्वर होते हैं उन्हें मन सप्तक के हम स्वर बोलते हैं। और उनमें मैंने आपको क्या बताया कि मन सप्तक का मा, मन सप्तक का पा, मन सप्तक का धा, मन सप्तक का नी, और फिर सा, रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, पा, धा, नी। ये शुद्ध नी है, ये कोमल नी है, ठीक है, नी, सा, बस इन्हीं स्वरों से आपका पूरा गाना कंप्लीट हो जाएगा। तो सीरीज आपकी बन गई मा पा धा नी सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा नी सा। तो सबसे पहले गाने में एक आलाप आता है, जिसे हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने लिया है, कुछ इस प्रकार से है। देखिए जो आलाप है सा से ही शुरू होगा, सा नी और धा, नी और धा जो प्रयोग में हुए मन सप्तक के प्रयोग में हुए। फिर गाना शुरू होता है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ स्वर देखते हैं एक बार, सारे गारे गारे सारे सधा धा पा धा पा मा मा धा 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 पा मा धा पा पा पा। दूसरी लाइन आती है तेरे चलेंगे इस गाने की अंतर की ओर। अंतरा बहुत ही सरल है, पोस्ट को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे शब्द है जीने के लिए, तो स्वर देखिए जीने के लिए गामा पामा गा।
फिर नेक्स्ट ये लाइन दो बार आएगी, उसके बाद फिर अगली लाइन मुस्कुराए तो मुस्कुराने के, यहाँ पर आप देखिए मुस्कुराए तो जैसे पहले था जीने के लिए ये सुर लगेंगे गामा पामा का, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के मुस्कुराने के मुस्कुराने के मुस्कुराने के, कर्ज उतारने होंगे, जैसे पहली लाइन थी कर्ज उतार कर्ज उतारने होंगे तो रे 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 करे धसा, फिर नेक्स्ट मुस्कुराऊं कभी तो लगता है मुस्कुराऊं कभी तो लगता है, तो सुन देखिए मुस्कुराऊं कभी करे 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 रे रे मुस्कुराऊं कभी करे करे रे रे, तो लगता है गा पा करे रे रे जैसे होठों पे जैसे होठों पे तो नीरे नीरे सीखा। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है, और अपना मन पसंद का कोई भी गाना है अगर आप सीखना चाहते हैं नोटेशंस नहीं आती तो आपको KSS भारतीय संगीत में आकर हर एक गाने का नोटेशन जरूर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें।